हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी एन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट टू का लास्ट चैप्टर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हमें दिए, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, 11th, 12th, इनमें से किसी भी क्लास में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहे। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है PN Sir Class 12, इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये सभी हम प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोज़ HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, या तो सेम ये क्वेश्चंस रहेंगे या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसलिए ये वीडियोस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो लास्ट चैप्टर है, ये 5 मार्क्स के लिए चैप्टर है। वैसे तो हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले बहुत ही अच्छे तरह से सीखा है। उन सभी वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, मतलब यहाँ का हर एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 के रहेंगे, 4 क्वेश्चंस पार्ट 2 के रहेंगे, एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, ये पता है हमें, ठीक है। देखिए अब इस यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहां हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, NCR। ये मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमें लगेगा, ठीक है। साथ में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, ये मैं यहां लिख लेता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू NCX, ओके, फिर पी रेस टू एक्स और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और साथ में ये कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूले पता होना जरूरी है। साथ में ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, NP, चाहे तो आप PN, हमारे YouTube चैनल का जो नाम है PN सर, तो उसमें से PN आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ई ऑफ एक्स इज NP मतलब PN, इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर वेरियंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है, वेरियंस ऑफ एक्स इज NPQ, ठीक है। और हमें पता है P इक्वल्स टू 1 माइनस Q, या फिर Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, ठीक है ना। और यहाँ का जो देखिए, यहाँ का जो x है, ये x 0 से स्टार्ट होता है अप टू n, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूले हमें पता होना जरूरी है, इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर, इससे अलग कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर पे नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इतने फॉर्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, दैट प्रॉब्लम इज डिपेंड अपॉन आइदर वन ऑफ दिस फॉर्मूला, एक या एक से ज्यादा फॉर्मूले पे डिपेंड है, इसके सिवा कोई भी फॉर्मूला हमारे पास आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे दूसरा कोई फॉर्मूला प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, या अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना रहा,
तो ये रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 5 मार्क्स का चैप्टर है, ऐसा मान के चलिए बोनस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछे जाते हैं। जनरली इस चैप्टर पे 2 मार्क का एक MCQ और 3 मार्क्स का एक सेक्शन सी में क्वेश्चन इस प्रकार का आपको पूछा जाता है, 2 मार्क का, या फिर 2 मार्क का MCQ, 1 मार्क का शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क का शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, 2+1+2 इस प्रकार के 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जनरली 2+3 2 मार्क का एक, 3 मार्क का एक, या फिर 2+1+2 2 मार्क के 2 और 1 मार्क का एक, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। रेयरली 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर पे पूछा गया है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेक्शन डी में पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहां पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिए, विथ n इक्वल्स टू 4, n का वैल्यू 4 है, 2 p of x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 p of x इक्वल्स टू 2 ऐसा है, तो हमें यहां पे p का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, ट्वाइस p of x इक्वल्स टू 3, ट्वाइस p of x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू थ्राइस p of x इक्वल्स टू 2 इस प्रकार से हमें दिया है। मैंने ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये मिलेगा 2 p of x equals to 3, मतलब ये NC3 रहेगा। ठीक है, और n हमारे पास कितना है, 4, साथ में n इक्वल्स टू हमें 4 दिया है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, तो ये रहेगा 4C3। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, क्या रहेगा, 4C3। ओके, फिर p raised to x, अब देखिए p raised to 3 रहेगा क्योंकि x का वैल्यू 3 है, p raised to 3, और q raised to 4 minus 3, n माइनस x मतलब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, 4 minus 3 ये रहेगा 1, इक्वल्स टू 3 इंटू p of x equals to 2, यहाँ पे p of x equals to 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 4C2, n का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2 है, 4C2, फिर p raised to 2 मतलब p square, ये, और इन दोनों का डिफरेंस q के पावर में लिखना है, q square, बहुत ही सिंपल है। देखिए फॉर्मूला में क्या किया गया है, ये जो यहाँ का x है ये p के पावर में, देखिए हमने यहाँ पे 3 p के पावर में 2 p के पावर में लिया है, फिर q के पावर में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 4 minus 3 यहाँ पे q के पावर में, और 4 minus 2 यहाँ पे q के पावर में। लुक हियर, वॉट इज यन, यन हमें 4 दिया है, तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर की है, और x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे x का वैल्यू p of x equals to 3 फाइंड करना था, तो स्मॉल x का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिया है, बहुत ही सिंपल है। अब ये फॉर्मूले 4C3, देखिए 4C3 हमें कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला, हमें फैक्टोरियल पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लुक हियर, 4C3 किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, 4 factorial upon 3 factorial इंटू इन दोनों का डिफरेंस 1 factorial, ओके, 4 factorial मतलब 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल नोटेशन हमें पता है, फैक्टोरियल इसका मतलब उस नंबर से 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, 10 factorial है तो 10 से लेके 1 तक सभी का प्रोडक्ट, 11 factorial है तो 11 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का फैक्टर, उसी प्रकार से 4 factorial मतलब 4 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, अब सिमिलरली 3 factorial मतलब 3 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, 1 factorial मतलब 1 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, तो ये 3 to 1 कैंसिल होगा, 4C3 का वैल्यू हमें 4 मिलेगा, p cube q इस प्रकार से है 3, ये 4C2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसी प्रकार से इट विल बी 4 factorial upon 2 factorial × 2 factorial, ये फॉर्मूला है n-r, ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 × 3 × 2 × 1 upon 2 × 1 × 2 × 1, 2 factorial का वैल्यू, ये देखिए 2 1, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 2 × 1 2 2 × 1 2 2 × 2 4, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो 3 × 2 × 1, ये यहाँ पे हमें 6 मिलेगा, 4C2 का वैल्यू क्या रहेगा, 6, और फिर यहाँ पे p square q square है,
ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, देखिए ये पी क्यूब, ध्यान दीजिए, पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर लेते हैं, मतलब इस टर्म को हमने इधर ट्रांसफर किया, फिर रिमेनिंग टर्म्स को इधर ट्रांसफर करते हैं, 3 × 6 × Q² अपॉन क्या क्या है, 2 × 4, ओके, फिर इसके बाद ये क्यू, ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर मतलब पी, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू मतलब क्यू रहेगा। अब यहाँ पे अगर ये 2 से इस 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 × 3 ये 9 रहेगा, 9 अपॉन क्या है 4, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 मिला है हमें, ओके, 3 × 3 9 मतलब 9/4 क्यू, पी का वैल्यू 9/4 क्यू है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, अब हमें यहां पे फाइंड करना है, देखिए हमें यहां पे फाइंड करना है पी, पी मिला है 9/4 क्यू, ठीक है ना। इसके बाद हम यहां पे फाइंड, देखिए पी प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना है 1, ओके, इसका मतलब 9/4 क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, इस प्रकार से ले सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से मैंने यहां पे पी इक्वल्स टू 9/4 क्यू लिया है, आप क्यू इक्वल्स टू 4/9 पी भी ले सकते हो, ओके। ये 9/4 क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इस 4 से अगर क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्यू 9 क्यू प्लस 4 क्यू 13 क्यू अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू 4/13, क्यू का वैल्यू हमें 4/13 मिलेगा। तो पी क्या रहेगा, पी इक्वल्स टू क्या है 1 − क्यू मतलब 1 − 4/13, ये 13 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 − 4 9, तो ये रहेगा आंसर हमारे पास 9/13, ओके। इसका मतलब P का वैल्यू क्या रहेगा 9/13। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने P इक्वल्स टू 9/4 Q लिया था, चाहे तो आप यहीं पे Q इक्वल्स टू 4/9 P ले सकते हो, P प्लस Q में Q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P रख सकते हो और P का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो P का वैल्यू हमारे पास रहेगा 9/3, इसका मतलब 1 का आंसर रहेगा स्मॉल a, ठीक है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x follows binomial distribution n, p दिया है, n का वैल्यू 10 है, इसे हम किस प्रकार से रीड करते हैं, x follows binomial distribution with parameter np, इस प्रकार से इसे हम रीड करते हैं, ठीक है। गिवन दैट x follows binomial distribution with parameter np, इफ n equals to 10, p equals to 0.4, then e of x, हमें n दिया है, p दिया है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको e ऑफ x का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिया है। यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास 10 है, p का वैल्यू 0.4 है, तो e ऑफ x फाइंड करना है, e ऑफ x का फॉर्मूला np है, इसका मतलब 10 × 0.4, और 10 × 0.4 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 4, बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब 2 का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, d। देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम इस चैप्टर पे हमें पूछे जाते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लीजिए, भले ही ड्यू टू कोविड-19 आपके ऑफलाइन क्लासेस ठीक तरह से नहीं हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक तरह से नहीं हुए होंगे, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मैं करवा के ले रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसे ही अच्छी तरह से कीजिए। यकीन मानिए आपके HSC 2021 एग्जाम में या तो ये क्वेश्चंस रहेंगे या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपने 2021 एग्जाम के लिए पहले 5 साल के पेपर उठा के अगर प्रिपेयर किए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, तो भी आपका काम हो जाता है, और वही क्वेश्चंस का प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से कम हम 80% तो प्रिपेयर कर सकते हैं, और वैसे भी आपका 25% सिलेबस कम हुआ है, तो यकीन मानिए क्वेश्चन पेपर भी आपका अच्छा रहेगा, क्वेश्चन पेपर भी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर इस क्वेश्चन बैंक को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए,
भले ही आपका पहले प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन मतलब भी मोर देन सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन मतलब, ये यकीन मानिए आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, यू विल गेट फुल क्रेडिट, फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर थ्री का सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में फॉर यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन पी इफ वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2.4 एंड पी इक्वल्स टू 0.4 देन एन इक्वल्स टू, एन का वैल्यू यहां पे हमें पूछा गया है। लुक हियर, वेरियंस ऑफ यक्स का फॉर्मूला क्या है, एन पी क्यू, ध्यान दीजिए वेरियंस ऑफ यक्स इज एन पी क्यू। ओके, और वेरियंस ऑफ यक्स यहां पे हमें क्या क्या दिया है, वेरियंस ऑफ यक्स इक्वल्स टू दिया है 2.4, इसका मतलब 2.4 इक्वल्स टू एन पी क्यू, साथ में पी का वैल्यू हमारे पास है 0.4। लुक हियर, पी क्या है हमारे पास, नाउ पी इक्वल्स टू 0.4, हमें पता है क्यू इक्वल्स टू क्या रहता है 1 माइनस पी, इसका मतलब 1 माइनस 0.4 इसका मतलब 0.6। ओके, पी का वैल्यू अगर 0.4 है तो क्यू का वैल्यू 0.6 है, क्योंकि p इक्वल्स टू या तो 1 माइनस क्यू या फिर q इक्वल्स टू 1 माइनस पी, इन शॉर्ट p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 रहता है। p प्लस क्यू अगर 1 है तो q इक्वल्स टू 1 माइनस पी रहेगा, p 0.4 है तो q का वैल्यू 0.6 रहेगा। नाउ देयरफॉर अब यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2.4 इक्वल्स टू n इंटू 0.4 इंटू 0.6, इसका मतलब 2.4 अपॉन 0.4 इंटू 0.6 इक्वल्स टू n। ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कैंसल हो जाएगा तो 24 अपॉन 4 इंटू 0.6 ऐसा रहेगा। ओके, अगर ये पॉइंट यहां डिस्प्लेस, हमें देखिए लेफ्ट से राइट उसे सरकाना है, तो यहां पे 6 लिए बाद यहां हमें 0 देना पड़ेगा, तो ये रहेगा 240 अपॉन 4 इंटू 6 24 इक्वल्स टू एन। ठीक है ना, ओके तो 4 इंटू 6 हमें क्या मिला है 24। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेरियंस था 2.4, ओके फिर यहां पे पी का वैल्यू 0.4 था तो क्यू का वैल्यू हमने 0.6 लिया है। अब ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ अगर कैंसिल करना है तो 24 अपॉन 4 रहेगा, फिर से अगर इसे इधर हमें डिस्प्लेस करना है तो यहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 240 अपॉन 24 इसका मतलब n इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 10। ठीक है, n का वैल्यू रहेगा 10, n का वैल्यू 10, ये आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर यहाँ पे ए। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो थ्री का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या दिया है, गिवन दैट यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन इक्वल्स टू 10p यू ऑफ एक्स 8 देन वैल्यू ऑफ पी, हमें पी का वैल्यू यहां पे पूछा गया है। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर फोर यहां लिखो मैं, ठीक है यहां पे लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का सोल्यूशन बहुत कम शब्दों में इसका सोल्यूशन है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू यू ऑफ एक्स, देखिए यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास है एन पी, हमारे यूट्यूब चैनल का नेम आपको याद रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पी एन सर, इसमें से पी एन लेना है। ओके एन पी, नाउ लुक हियर, यू ऑफ एक्स इज 8, यू ऑफ एक्स हमारे पास 8 है, एन का वैल्यू 10 है, n is 10 into कितना है p, समझ रहे ना, therefore ध्यान दीजिए, therefore 8 upon 10 equals to p। ओके, 8 upon 10 मतलब 0.8, therefore 0.8 equals to p, इसका मतलब p equals to 0.8, p का वैल्यू क्या रहेगा 0.8। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर ऑप्शन बी, देखिए कितने सिंपल इसके सॉल्यूशंस हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, क्वेश्चन नंबर फाइव,
बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इक्वल्स टू वन. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है. ओके, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पर्टिकुलर केस है जब एन का वैल्यू क्या रहेगा, वन रहेगा. तो ऑप्शन डी इसका आंसर है. वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए, मतलब वन मार्क ईच. तो यहाँ के क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ हमें आंसर इन वन सेंटेंस, वन सेंटेंस पे इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है. ओके, लुक हियर, फर्स्ट दिया है इफ यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन पी, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12, वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, फाइंड एन. यहाँ पे हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, देखिए वेरियंस ऑफ यक्स अपॉन E of x, अगर इस प्रकार से हम लेते हैं, मतलब वेरियंस ऑफ x अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, E of x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एन पी क्यू अपॉन एन पी. ओके, वेरियंस ऑफ x कितना है हमारे पास, 4, वेरियंस ऑफ x का वैल्यू 4 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू E of x का वैल्यू 12 है. नाउ दिस इज इक्वल्स टू एन पी क्यू, तो यहाँ पे एन पी के साथ कैंसल होगा. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली क्यू. तो देखिए क्यू का वैल्यू, तो ये इक्वल्स टू क्यू रहेगा, इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू 1/3, ये क्यू का वैल्यू है. अगर क्यू 1/3 है, ध्यान दीजिए, तो P इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस Q, इसका मतलब 1 माइनस 1/3, इसका मतलब 2/3. क्यू 1/3 है, P हमारे पास कितना है, 2/3. अब फिर से हम कंसिडर करते हैं U of X इक्वल्स टू एन पी. U of X हमारे पास कितना है, 12, N इंटू P का वैल्यू है 2/3. दिस इंप्लाइज एन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 12 × 3/2. ओके, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 × 3 ये रहेगा 18. तो हमने क्या किया, देखिए वेरियंस ऑफ एक्स अपॉन ई ऑफ एक्स इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिया है. या तो आप इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, या फिर ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, दूसरा मेथड देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास वेरियंस ऑफ एक्स है और ई ऑफ एक्स है. वैसे तो मेथड सेम ही रहेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा. देखिए ई ऑफ एक्स कितना है, 12, इसका मतलब एन पी इक्वल्स टू 12. वेरियंस ऑफ एक्स कितना है, 4, इसका मतलब एन पी क्यू इक्वल्स टू 4. पर इस पे एन पी कितना है, 12. ओके, देयरफोर 12 × Q = 4, इसका मतलब Q = 4/12, देयरफोर Q का वैल्यू 1/3, P = 1 - Q = 1/3 = 2/3. फिर वही मेथड यूज करना है, E of X इक्वल्स टू कितना है, NP, E of X है 12, N into P का वैल्यू है 2/3, तो n इक्वल्स टू 12 × 3/2, मतलब n इक्वल्स टू 18. मेथड सेम है, ठीक है ना, सिर्फ मैंने यहाँ पे वेरियंस ऑफ x अपॉन u ऑफ x ऐसा लिया था, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है. ओके, क्वेश्चन सेकंड जो है ये बहुत ही इजी है. फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट फॉर्मूला फॉर u ऑफ x वेरियंस ऑफ x. देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लेते हैं, तो E of X का फॉर्मूला NP है और वेरियंस ऑफ X का फॉर्मूला NPQ है. किसके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट में जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इक्वल्स टू 1. वहां पे एन का वैल्यू पूछा गया था, आंसर हमने वहां पे 1 दिया था. इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं. वही मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, लुक हियर, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इफ n equals to 1.
अगर n का वैल्यू 1 रहता है तो उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, e ऑफ x इक्वल्स टू, अगर n का वैल्यू 1 है तो e ऑफ x इक्वल्स टू p बनेगा, और वेरियंस ऑफ x इक्वल्स टू, वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, npq, लेकिन n यहाँ पे 1 है तो वेरियंस ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे pq, ठीक है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए e ऑफ x p बनेगा और वेरियंस ऑफ x p ऑफ q, p इंटू q बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फॉर x follows binomial distribution with parameter np and p of x equals to x equals to 8cx 1 by 2 raised to x 1 by 2 raised to 3 minus x। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन बैंक में, तो ये 3 नहीं है, यहाँ पे 8 है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। उस 3 की जगह हमें 8 करेक्शन करना है, वैसे हमें क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे 3 minus x दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें लेना है 8 minus x। Then state values of n एंड p, देखिए फॉर हमें क्या दिया है, p ऑफ एक्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 8cx फिर 1 बाई 2 रेस टू x और 1 बाई 2 रेस टू 8 माइनस एक्स, ओके। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसे हम अगर जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ p ऑफ एक्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n cx फिर 1 बाई 2 रेस टू x, देखिए मैंने यहाँ पे 1 बाई 2 मतलब p रेस टू x, सॉरी p रेस टू x, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। n सी x हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या तो ब्रैकेट में ऊपर n नीचे x इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से n सी x p रेस टू x और फिर q रेस टू n माइनस x। इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे n है तो यहाँ पे 8 है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या रहेगा, 8, ओके। फिर यहाँ पे जो p है ये यहाँ पे 1 बाई 2 है, तो इसका मतलब p का वैल्यू रहेगा 1 बाई 2। हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें n का वैल्यू फाइंड करना था और p का वैल्यू फाइंड करना था। n का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 1 बाई 2 है, इस फॉर्मूला को हमने जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्टेट फॉर्मूला फॉर PMF of binomial distribution, ये formula है, it is the formula for PMF of binomial distribution। तो यहाँ पे लिखते हैं हम formula for किसके लिए, PMF of binomial distribution, binomial distribution is, इसका formula देखिए क्या रहेगा, P of x equals to x equals to n c x, ओके, फिर p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x, वेयर यहाँ का जो x है 0, 1, 2 अप टू n, ये 0 से स्टार्ट होगा 0, 1, 2 अप टू n, और यहाँ पे 0 लेस देन p कॉमा q ऐसा ही लिख सकते हैं हम, लेस देन 1, या फिर 0 लेस देन p लेस देन 1, मतलब जो p रहेगा ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, और साथ में q इक्वल्स टू लेते हैं हम 1 माइनस p, ये पूरा रहेगा PMF फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल है, p ऑफ x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n सी x, p रेस टू x, q रेस टू n माइनस x, x इज 0, 1, 2 अप टू n, 0 लेस देन p लेस देन 1, q इक्वल्स टू 1 माइनस p, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, A die is thrown. If x denotes the number of positive divisors of outcomes, then find the range of random variable x. देखिए अगर die throw किया जाता है तो हमें पता है sample space s में elements क्या रहेंगे, die throw के बाद हमें क्या क्या दिखेगा, 1 या फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये रहेगा sample space। तो हमें x क्या लेना है, x denotes what, x denotes the number of positive divisors of outcomes, then find the range of random variable x, okay। देखिए x क्या है, x denotes the number of positive divisors of outcomes, then find the range of random variable x। look here, यहां पे अगर 1 लेते हैं तो 1 का divisor एक ही है, 1 के लिए divisor 1 है, 2 के लिए divisors कितने हैं, 2 के लिए divisors 1 और 2 दो है,
थ्री के लिए डिवाइजर्स कितने हैं? थ्री के लिए डिवाइजर्स थ्री है, वन टू सॉरी टू ही है, वन और थ्री। थ्री के डिवाइजर्स टू ही है, वन और थ्री। डिवाइजर मतलब जिससे भाग जाता है, वन को किससे भाग जाएगा, वन से, तो वन का डिवाइजर वन। टू को किस किस से भाग जाता है, वन से और टू से, तो टू के डिवाइजर टू। थ्री को किस किस से भाग जाएगा, वन से और थ्री से, मतलब थ्री के डिवाइजर टू। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने, टू, कौन कौन से, वन और थ्री। फिर फोर को, फोर के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, वन है, टू है और फोर है, मतलब फोर के डिवाइजर्स थ्री है, वन टू फोर। फाइव के डिवाइजर्स दो ही है, वन और फाइव, पता है हमें। सिक्स के डिवाइजर्स, सिक्स के डिवाइजर्स वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है, तो सिक्स के डिवाइजर्स फोर आते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, वन के नंबर ऑफ डिवाइजर वन, टू के नंबर ऑफ डिवाइजर टू, थ्री के नंबर ऑफ डिवाइजर टू, फोर के नंबर ऑफ डिवाइजर थ्री, फाइव के नंबर ऑफ डिवाइजर टू, सिक्स के नंबर ऑफ डिवाइजर फोर, वन टू थ्री और सिक्स। तो इसका मतलब हमने हर एक नंबर के अगर डिवाइजर यहाँ पे देखे तो वन का वन मिलता है, ठीक है ना। कम से कम डिवाइजर कितने हैं, वन है। किसी भी नंबर को कम से कम डिवाइजर से, वन को डिवाइजर वन है। और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइजर कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइजर कौन से नंबर को है, सिक्स को है। और कितने हैं, फोर है, वन टू थ्री सिक्स, बराबर है। तो रेंज ऑफ एक्स जो है, यक्स क्या है, यक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ आउटकम्स, ओके। देयरफोर रेंज ऑफ यक्स, हमें रेंज ऑफ यक्स लिखना है। तो रेंज ऑफ एक्स क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइजर 4 है और कम से कम डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर 1 है। तो ये रहेगा एक्स का रेंज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉर शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे सभी हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ दिया है, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन पी इफ द वैल्यू ऑफ मीन, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, एंड वेरियंस मतलब वेरियंस ऑफ एक्स आर 18 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें यन नहीं पूछा गया है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। नाउ लुक हियर, हमें पता है वेरियंस ऑफ एक्स, इसका जो फॉर्मूला है वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेते हम एन पी क्यू, लेकिन यहाँ पे वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है हमें 12, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू रहता है एन पी, ओके। लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है हमें 18, इसका मतलब एन पी क्यू इक्वल्स टू 12 और एन पी इक्वल्स टू कितना है 18, ओके। यहाँ पे अगर हम एन पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 18 इंटू क्यू इक्वल्स टू 12, इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू 12 अपॉन 18, इसका मतलब 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, तो क्यू का वैल्यू 2/3 है। p इक्वल्स टू पता है हमें 1 माइनस q 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3, समझ रहे ना आप। अब देखिए यहाँ हमारे पास p है, q है। सपोज अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर से लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कितना दिया है हमें 18, इसका मतलब n p इक्वल्स टू 18, इट मीन्स n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 18, देयरफोर n इक्वल्स टू 54, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 54, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए x इक्वल्स टू क्या रहता है, वी नो दैट x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0, 1, 2 अप टू n, n मतलब 54। देयरफोर अब x के वैल्यू काउंट कीजिए, x के वैल्यू देखिए 1 से लेके 54 तक 54 वैल्यूज है, और फिर ये 0 कितने हो गए 55। देयरफोर टोटल नंबर ऑफ मर ऑफ वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या रहेगा 55, ठीक है। x के
टोटल वैल्यूज कितने रहेंगे 55। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड जो है, क्वेश्चन सेकंड में हमें यक्स फॉलोज विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन पी, ई ऑफ एक्स 6 दिया है, वेरियंस ऑफ एक्स 4.2 है, तो एन एंड पी फाइंड करना है सेम जैसे हमने ऊपर यहाँ पे फाइंड किया है। देखिए हमारे पास वेरियंस ऑफ यक्स का फॉर्मूला ये है एन पी क्यू, ठीक है ना, वेरियंस ऑफ एक्स इज एन पी क्यू और ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन पी। लेकिन यहाँ पे वेरियंस ऑफ यक्स क्या दिया है हमें, वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 4.2 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 है, इसका मतलब एन पी क्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा 4.2 और एन पी इक्वल्स टू रहेगा 6। यहाँ पे अगर एन पी का वैल्यू हम 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 6 इंटू क्यू इक्वल्स टू 4.2, मतलब q इक्वल्स टू 4.2 अपॉन 6, ठीक है, देयरफोर q इक्वल्स टू 4.2 अपॉन 6, इसका मतलब इसे हमें लेते आएगा 42 अपॉन 60, तो ये रहेगा 7/10। q का वैल्यू क्या है 7/10, ठीक है। अगर q का वैल्यू 7/10 है तो p इक्वल्स टू क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, मतलब 1 माइनस 7/10 इक्वल्स टू 3/10, ठीक है ना, ये क्या मिलेगा हमें 3/10 क्यू पी का वैल्यू। तो पी हमें फाइंड करना था, पी यहाँ पे हमें क्या मिला है 3/10। अब फाइंड करना है यन, अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यक्स इक्वल्स टू लेते हैं हम कितना, ई ऑफ एक्स इज 6, ठीक है, देयरफोर एन पी इक्वल्स टू 6, ध्यान दीजिए। लेकिन जस्ट हमने फाइंड किया है हमारे पास p कितना है 3/10 इक्वल्स टू 6, इसका मतलब n इक्वल्स टू 6 इंटू 10/3 होगा। आर यू गेटिंग दिस, तो 3 × 2 = 6, तो n का वैल्यू हमें 20 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अगर e ऑफ x 6 है, वेरियंस ऑफ x 4.2 है, तो हमें p का वैल्यू 3/10, चाहे तो आप इसे 0.3 भी लिख सकते हो, p का वैल्यू 0.3 मतलब 3/10 और n का वैल्यू हमें मिलेगा 20। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लुक हियर, हमें क्या क्या दिया है, n का वैल्यू है 10 और p का वैल्यू है 0.4। अगर p 0.4 है तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6 रहेगा। n 10 है, p 0.4 है, q का वैल्यू 0.6 रहेगा, ओके। नाउ लुक हियर, अब हम वेरियंस ऑफ x, अगर पहले e ऑफ x फाइंड करते हैं, e ऑफ x इक्वल्स टू n p इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 6, सॉरी 0.4, पी का वैल्यू 0.4 है तो इक्वल्स टू 4 रहेगा, ठीक है, एन पी 10 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 4। नाउ लुक हियर, वेरियंस ऑफ यक्स फाइंड करते हैं हम, वेरियंस ऑफ यक्स इक्वल्स टू क्या है, एन पी क्यू, एन पी का वैल्यू या फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 10 इंटू 0.4, 4 इंटू 0.6, इट विल बी 2.4, तो हमारे पास वेरियंस ऑफ एक्स रहेगा 2.4, ठीक है, वेरियंस ऑफ एक्स 2.4 है। अब फॉर्मूला देखिए वेरियंस ऑफ एक्स का क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना, एक फॉर्मूला चाहे तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहां लिखता हूं मैं वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया है। अगर इन फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए वेरियंस ऑफ एक्स कितना है हमारे पास 2.4 इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स कितना है 4, 4 का स्क्वायर रहेगा 16, ओके, देयरफोर 2.4 प्लस 16 इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 18.4 इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18.4। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, इफ यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन इक्वल्स टू 6 एंड पैरामीटर पी एंड 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, फाइंड पी। ये कंडीशन हमें यहाँ पे दिया है। लुक हियर, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है, यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6 कॉमा पी, इसका मतलब एन इक्वल्स टू क्या रहेगा, 6। बहुत ही सिंपल है, एन का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 6। देखिए हमें पी में पता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू रहता है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2 अप टू एन रहता है। ये पी एम एफ पता है, तो यहाँ पे अगर ये पी एम एफ हम इसके लिए अब यूज करेंगे। लुक हियर, ट्वाइस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, इट इज गिवन। ये हमें दिया है, ठीक है। अगर यहाँ हम यूज करते हैं 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, अब एन हमारे पास कितना है, 6 है, तो ये रहेगा 6 सी एक्स। ओके, फिर पी का वैल्यू पी, फिर यक्स यहाँ पे 3 है, 6 सी 3 लेना है हमें, सॉरी 6 सी 3, एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब 6 सी 3 रहेगा, ठीक है। फिर पी रेस टू एक्स मतलब पी रेस टू 3, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 6 माइनस 3, तो ये क्यू क्यूब रहेगा। नाउ इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 लेना है, एन कितना है 6, एक्स कितना है 2, तो ये रहेगा 6 सी 2, ठीक है। फिर पी ऑफ पी रेस टू एक्स मतलब पी रेस टू 2, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स मतलब क्यू रेस टू 4, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्यू के पावर में, ये नंबर पी के पावर में, बहुत ही ईजी है। नाउ देयरफॉर 2 इंटू, अब हमें 6 सी 3 फाइंड करना है। मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 6 सी 2 ये रहेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4 फैक्ट 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 से लेके 1 तक सभी इंटीजर का प्रोडक्ट, तो ये 4 × 3 × 2 कैंसिल होगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 × 5 इट विल बी 15, तो ये रहेगा 15 पी क्यूब क्यू क्यूब इक्वल्स टू 6 सी 2, यहाँ पे 15 लिखना है, ये 6 सी 3 फाइंड करना है हमें। 6 सी 3 देखिए क्या रहेगा, 6 सी 3 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिए 6 फैक्टोरियल इज 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 1, तो ये 3 × 2 × 1 × 3 × 2 ×1 कैंसिल होगा, ये 3 × 2 × 6 के साथ कैंसिल होगा, 5 × 4 = 20, यहाँ पे मिलेगा 20। 6 सी 3 का वैल्यू लिखना था, ये 20 लिखा है, 6 सी 2 का वैल्यू 15 है, फिर पी स्क्वायर क्यू रेस टू 4, ठीक है ना, यहाँ पे 6 सी 3 और यहाँ पे हमने 6 सी 2 लिखा है। नाउ देयरफॉर, अब देखिए यहाँ ये जो है क्यू का पावर, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो क्यू क्यूब को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, पी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, लुक हियर, पी क्यूब, ध्यान दीजिए, पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 क्यू रेस टू 4 अपॉन 2 × 20 क्यू क्यूब। नाउ देयरफॉर पी इक्वल्स टू, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और क्यू रेस टू 4 क्यू क्यूब के साथ कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास देखिए क्या रहेगा, 3 क्यू अपॉन 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8,
ठीक है, इसका मतलब 3 by 8 या फिर 3 by 8 cube, ये हमें P का वैल्यू मिला है, P इक्वल्स टू 3 by 8 cube। ठीक है, हमें P फाइंड करना है। Now look here, अगर P 3 by 8 cube है तो हम P प्लस Q का रिलेशन यूज करते हैं। वी नो दैट P प्लस Q इक्वल्स टू, देखिए, या फिर ऐसा कहेंगे हम P इक्वल्स टू क्या रहता है, 1 minus Q। ठीक है ना, P का वैल्यू 1 minus Q, या फिर Q इक्वल्स टू 1 minus P, या फिर P प्लस Q इक्वल्स टू हम 1 ले सकते हैं। ओके, P प्लस Q इक्वल्स टू अगर 1 है तो P का वैल्यू 3 by 8 Q plus Q equals to 1। इस 8 से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 Q, मतलब 3 Q plus 8 Q, इट विल बी 11 Q upon 8 equals to 1। तो ये रहेगा Q equals to 8 upon 11। 11 Q equals to 8, इसका मतलब Q equals to 8 upon 11। चलिए अब हम P फाइन करते हैं, P equals to 1 minus Q है तो 1 minus 8 upon 11, इसका मतलब P equals to 11 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 11, 11 minus 8, 3, तो P का वैल्यू हमारे पास रहेगा 3 by 11। ओके, इट इज़ द वैल्यू ऑफ P। जैसे मैंने यहाँ पे P equals to 3 by 8 Q लिया है, यहीं से आप Q equals to 8 by 3 P भी ले सकते हो और वहाँ से भी P का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ हमने P of x equals to 3 के लिए यह फॉर्मूला यूज़ किया है, P of x equals to 2 के लिए भी यह फॉर्मूला यूज़ किया है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ PMF। ठीक है ना, ये PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X है, कैपिटल X इस रैंडम वेरिएबल का ये PMF है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और 63 का वैल्यू फाइंड करने के लिए NCR का फॉर्मूला, और 62 का वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमने NCR का फॉर्मूला यूज़ किया, ये P का वैल्यू 3 by 11। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए हमें लेट द PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल बी, यहाँ पे PMF देखिए क्या दिया है, P ऑफ X इक्वल्स टू X 4CX 5 by 9 raised to X 4 by 9 raised to 4 minus X। इसे सपोज अगर हम कंपेयर करते हैं जनरल PMF सोबत, सॉरी जनरल PMF के साथ में, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर P ऑफ X इक्वल्स टू X इक्वल्स टू, ये रहेगा NCX, फिर यहाँ पे P raise to X, और फिर यहाँ पे Q raise to N minus X। ओके, नाउ देयरफॉर देखिए अगर इसे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से पता चलता है हमें N का वैल्यू 4, ये NCX है, ये 4CX है, तो N का वैल्यू क्या है, 4। ओके, फिर यहाँ पे P का वैल्यू, P raise to X है, 5 by 9 raise to X है, तो P का वैल्यू 5 by 9। ठीक है ना, यन है, पी है, यहाँ पे 4 by 9 है, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का वैल्यू रहेगा 4 by 9। देखिए इस फॉर्मूला को हमने इसके साथ कंपेयर किए बाद यन का वैल्यू 4 मिला है, पी का वैल्यू 5 by 9 है, क्यू का वैल्यू 4 by 9 है। ओके, अब हमें फाइंड करना है ई ऑफ एक्स, सिंपल है ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला, देखिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। E of x equals to np, n का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 5 by 9 है, तो ये रहेगा 20 upon 9। फिर उसके बाद वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है npq। ओके, n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 5 by 9, q का वैल्यू 4 by 9, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो ये क्या मिलेगा, 4 into 5 20 20 into 4 80, इट विल बी 80 upon 81। 20 by 9 और 80 upon 81, 20 by 9, इसे चाहे तो आप पॉइंट में भी ले सकते हो, मतलब 9 से 20 को डिवाइड कर सकते हो, तो 9 से 20 को डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 2.22। इस प्रकार से इसका वैल्यू लिख सकते हो। वेरियंस ऑफ एक्स 80 upon 81, 80 upon 81 का आंसर बहुत ही लाजवाब है, 80 upon 81 का आंसर आपको मिलेगा 0.9876। चाहे तो आप उसे देख लीजिए, 0.9876, देखिए कितना अच्छा फिगर है, 0.9876
फिर 9876, ओके। तो देखिए इस प्रकार से ई ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ एक्स, इन दोनों का भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ओके। तो देखिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। स्टूडेंट आज के इस पूरे लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर से, देखिए क्वेश्चन बैंक में जो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन क्वेश्चन दिए थे, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। क्वेश्चन फर्स्ट में एमसीक्यू दिए थे, क्वेश्चन सेकंड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए स्टूडेंट्स ड्यू टू कोविड-19 देखिए आपके ऑनलाइन क्लासेस ठीक से नहीं हुए, ऑफलाइन क्लासेस भी ठीक से नहीं हुए, लेकिन हम आपके साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। हमने आपका हर एक चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से लिया है, साथ में ये जो क्वेश्चन बैंक है ये क्वेश्चन बैंक भी हम कंप्लीट करते आ रहे हैं। हम आपके लिए 24/7 जुड़े हैं, ओके। आपको जो भी दिक्कत है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया, और सबसे बड़ी बात मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएनसर क्लास 12, इस ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीएनसर क्लास 12 ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कत है समस्या है प्रॉब्लम है आपको, आप वहाँ बेझिझक मेरे सामने रिप्रेजेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लीजिए पढ़ाई करने के लिए, बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है। भले ही आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता होगा, इसमें के प्रॉब्लम थोड़े से आपको कठिन लगते होंगे, लेकिन पेपर पैटर्न हमारा इस प्रकार का है। निश्चित रूप से स्टेट बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर है जिन्होंने ये पेपर पैटर्न फ्रेम किया है उनको, उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये पेपर पैटर्न यहाँ पे हमारे लिए सेट किया है। तो पेपर पैटर्न अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैथमेटिक्स की तरफ देखते हो तो कुछ भी मैथमेटिक्स हमारा कठिन नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स पढ़ाई कीजिए, और आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी दिक्कत है, समस्या है, बेझिझक आप हमारे सामने उसे रखिए, निश्चित रूप से हम उसे 100% सॉल्व करेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी बातें हम वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आपके कॉलेज के टेलीग्राम ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे स्टडी रिलेटेड, जहाँ पे मैथमेटिक्स का पढ़ाई चलता है, या फिर स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके ग्रुप है फ्रेंड के ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप होंगे, वहाँ पे भी मुझे आप ऐड कीजिए। मैं वहाँ पे भी आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बात लेकिन मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है पी एन सर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, और इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। लेकिन देखिए ये वीडियोज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HSC 2021 एग्जाम के लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, कमेंट किया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते वो भी मुझे कमेंट में लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स वॉचिंग।